हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम फिर आ गए परेशान होके। यही बात है। हाँ, परेशानियां तो आपको पता साथ साथ ही है। हाँ, जिंदगी के साथ साथ परेशानियां तो चलती रहती हैं। और मुझे तो आपको पता क्यों ज्यादा परेशानी होगी। तो अब हमें मिलने लग गई हैं धमकियां। पहले भी मिली थी, अभी मिलती हैं। पहले तो ऐसे मतलब सब कुछ होता है, लेकिन धमकियां जो नहीं मिलती ना। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अब मिलने लग गई धमकियां। वो भी क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि हम प्रमोशन की वजह से, सिर्फ प्रमोशन की वजह से। हमारी सिर्फ प्रमोशन तक वैल्यू हो, वैसे तो हमें कुछ अहमियत नहीं दी जाती। हाँ, कि प्रमोशन कर दिया तो आप सब कुछ हो। हाँ, आप सब कुछ। प्रमोशन नहीं किया ना तो आप हमारे वो हो, घर के गटर खोलने वाले। गटर खोलने वाला चप्पल के बराबर समझते हैं हमें। हाँ, प्रमोशन अगर नहीं किया, नहीं कर रहे तो ऐसा लोग करते हैं। ऐसे मैंने तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। हमने पहले भी मना किया था, ब्राय मेहरबानी कोई भी दोस्त, कोई भी बहन, कोई भी जो भी है ना, ठीक है, तो हमारे घर पे गिफ्ट लेके, वो ही मैं बोलती हूँ, आज गिफ्ट लेके तो वो नहीं हो, किसी दिन हम हाँ, गिफ्टों के तो जाए। आज गिफ्टों की वजह से हमें मिलने लग गई धमकियां। गिफ्ट जहाँ पे गिफ्ट पैक करते वहीं पे हमें गिफ्ट का तो नाम था। हाँ, लेकिन वो तो एक सौदा था सिर्फ। हाँ, ठीक है, उन्होंने मतलब साबित किया ये सौदा था, हमने आपको ये चीजें दी और आप जो है हमें प्रमोशन दो। और आप, हम ये भी थे, हम आपके गिफ्ट फैन तो भी नहीं थे। हाँ, हम आपके फैन भी नहीं थे। आपका फैन कौन होगा? हाँ, या आपको कौन मुंह लगाना पसंद करेगा? ठीक है, ये एक हमारे पास लेडीज आई थी, हमारी बहन, और एक हमारे भाई थे, वो आए थे। ठीक है, तो उनके कौन थे कौन नहीं हम नहीं जानते, हमारा घर ढूंढते हुए आए थे। उनकी ये पूरी कहानी है, तो हम आपको जो सुनाना चाहते हैं आज। ठीक है, तो सुबह 10 बजे का टाइम था, 11 बजे का हमारा दरवाज़ा खटकता है, तो एक हमारा भाई और वो बहन जो थी वो आती हैं अंदर। ठीक है, तो उनको हम पानी पिलाते हैं, इज्जत से अपने घर पे बिठाते हैं, उनसे हंस के बात करते हैं। ठीक है, साथ में उन्होंने एक थैली पकड़ी हुई थी, इतनी सी, तो उस थैली में एक सूट था, एक ये मोबाइल के कवर था, और क्या था बिटी? और वो जो ज्वेलरी और दो था। मतलब के एक वो टॉप्स थे, और एक बिटी ने क्रॉस पहनी हुई थी ना, जो बोला था बिटी ने, ये किसी ने गिफ्ट दिया। ठीक है, क्रॉस का वो निशान था, हम मसीह लोगों का वो निशान होता है, वो था। ठीक है, तो जी बात आ गई, उन्होंने बोला कि आप ना हमारा लिंक लगा देना। ऐसे उन्होंने बोला कि बोलते सी आप हमारा ख्याल करना, कर देना ये। हाँ, वही लिंक का ही बोला था, उन्होंने बोला लिंक लगा देना। तो हमने ये, हमने इनकार नहीं किया क्योंकि हमें बुरा लग रहा था इनकार करते हुए। वैसे हम लोग वीडियो में काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि हम लोग ना गिफ्ट लेके आए हमारे दरवाजे पे, ना ही प्रमोशन के सिलसिले में हमारे दरवाजे पे आए, क्योंकि उससे फिर तू मैं हो गई ना। अभी देखें, तू मैं हो गई, हो जाती है ना कभी। हाँ, हो भी जाती है और हो भी गई। ठीक है, सिर्फ किस लिए? प्रमोशन के सिलसिले की वजह से। वैसे इतना मुंह प्यार था, मतलब के वैसे आए हंसते हुए गए। ठीक है, हम लोगों ने भी उनसे हंस के बात की, उनको चाय वाय पिलाई अपने, हम तो खाने की भी ऑफर कर रहे थे, बाकी खाने का टाइम था, लेकिन वो चले गए, उन्होंने खाना वाना नहीं खाया। उनके लिए बैटरी वाला हम लोगों ने पंखा लगाया, लाइट नहीं थी आ रही। ठीक है, स्पेशल बैटरी वाला पंखा लगाया, गर्मी से आए हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी इतनी खिदमत की, तो बाद में उन्होंने बोला थे तुम्हारे जैसे तो हमारे घर के गटर खोलते हैं। हमने तो सोचा था आप तो ये होंगे वो होंगे, तो आप तो ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ, और आप जितने भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप लोगों ने हमारा घर देखा कि कैसा है। तो देखें जी, लाखों दुनिया में, दुनिया में मजबूर लाखों लोग हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में, मैं फिर आज बात कर रहा हूँ। बहुत लोग मजबूर हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं। वैसे भी मैं खुद बहुत मजबूर था, ठीक है, मजबूर तो नहीं था, फिर भी मेरी 15,000 सैलरी थी, उसमें मेरी बच्ची भी अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं पढ़ती। ठीक है, तो 15,000 में सैलरी थी और बच्ची भी मेरी पढ़ती थी, हम रेस्टोरेंट में भी जाते थे और हम लोग वो भी करते थे, क्या बोलते हैं, घूमने भी जाते थे, लेकिन उसी में। ठीक है, लेकिन अभी यूट्यूब पे आके लोग समझते हैं, बहुत मतलब के मजबूरियां बताते हैं। जाहिर बात है, हर इंसान मजबूर है जो 1,000 रुपये दिहाड़ी लगा के आता है। ठीक है, मैंने भी किया है, मिस्त्रियों के साथ भी मैंने काम किया है। ठीक है, सबके साथ किया है, धूपों में भी खड़े हुए हैं, छाँव में भी, बुरा हाल। एक दिन तो मैं कब्रिस्तान के अंदर भी काम करके आया मिस्त्रियों का। ठीक है, कब्रिस्तान में गया, वहाँ पे वो मतलब के बना रहे थे कब्र को, उनका भी काम किया मैंने मिस्त्रियों के साथ, कड़ी दोपहर में। ठीक है, तो मतलब के ऐसा होता था, मतलब बाहर से ब्लॉक उठा के एक अंदर लेके गए हो ना, तो अंदर जाके पानी पियोगे तो फिर दूसरा ब्लॉक उठा के लेने के काबिल होगे। ठीक है, मेहनत की हुई, सब कुछ किया हुआ है।
बाकी वो उन्होंने बोला कि भाई प्रमोशन नहीं दी आपने। मैंने उनको बोला प्रमोशन के तो मैं पैसे चार्ज करता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसा बोला। पैसे उनको मैंने बोला 10,000-20,000 रुपया मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका लहजा ऐसा था कि उन्होंने बोला हमने आपको गिफ्ट दिए, आपने हमारी अभी तक प्रमोशन नहीं की। उन्होंने कुछ ऐसे लहजे से बोला था अभी कि मैंने सोचा था मैं कर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ी देर बाद मैं कर दूंगा। तो उन्होंने ऐसे लहजे से बोला कि आपने अभी तक हमारी प्रमोशन क्यों नहीं की, ठीक है, रोब डाल के, रोब जैसे डाल के बोलते हैं ना, उस तरह बोला। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप 20,000 रुपया मुझे दे दे, मैं प्रमोशन कर दूंगा, ठीक है, मैंने बोला था। तो फिर वो भाई जो शुरू हुई बोलती है मेरे को मेरी एक एक चीज़ वापस चाहिए, ठीक है। मैंने बोला देखो मेरी बहन चीज़ें तो नहीं मिल सकती, मैं आपको पैसे वापस दे सकता हूँ। तो इसने वो ज्वेलरी वगैरह भी पहनी एक बार, ठीक है, तो लेकिन दोबारा तो कभी भी दिल नहीं करेगा पहनने का। बस बात ये थी कि उन्होंने बाद में हमें बहुत भरा बुला बोला और बोला तुम्हें कौन मुंह लगाएगा, तुम तो ऐसे हो, तुम तो हमारे घर पे जमादार हो, तुम तो हमारे घर पे गटर खोलने वाले हो, तुम्हारे तुम तो ऐसे हो, औकात ही क्या है तुम्हारी। बाद तुम में वो ये जनरल कर्नल कहना, मैं तो ये समझता था तुम कर्नल जनरल हो। हाँ तो वो और बातें करने लग गया, ठीक है, तो लेकिन खैर मेरी तो हर बात नहीं हुई, ये बात कर रहा था, मेरी काफी लंबी बात हुई उससे। फिर बोलता है तुम तो छोटे हो, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो, भाई आप अमीर हो तो यूट्यूब पे आप काम ही क्यों कर रहे हो, हैं, आपके साथ आपकी कज़न थी या बहन थी, आप उसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में उनका चैनल प्रमोट करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी है कि आप हमें हमारा नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, ठीक है, नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा, हम कार्रवाई करेंगे, चैनल की तरफ से भी करेंगे और वैसे भी तीनों चारों तरफ से हम कार्रवाई करेंगे तुम पे अगर आपने हमारा नाम लिया तो, ठीक है। तो इस वजह से हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, तो वरना वो जो हमारी बहन थी, जब आते हैं तो ऐसे चिपक चिपक के बैठते हैं, गले मिलते हैं, बोलते हैं सोनिया भाभी, गोपाल भाई, गोपाल भाई, और जाते ही हमें क्या बना दिया, औकात क्या है तुम्हारी, तुम तो ऐसे हो, और ऐसा बोला कि तुम्हारे घर पे हम बैठ पता है अभी के जहाँ पे बोलते हैं मतलब कि एक गिलास पानी भी पिया हो ना इंसान को याद रहता है, याद रहता। तो यहाँ से जाते ही बोल दिया कि तुम्हारे घर में तो कीड़े पड़े हुए हैं, हमारा दिल नहीं था कर रहा बैठने का, हम तो अपनी मजबूरी से बैठे हुए थे। इतनी गलत बात है किसी के घर पे आके अगर ऐसा कहना, बाद में ऐसा कहना कितनी तकलीफ होती है। हमारे लिए तो ये वो है ना महल, हम लोग किसी महल में भी चले जाए ना हमारे घर जैसा सुकून हमें नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए यही हमारा महल है। हाँ बहुत अच्छा है, इसलिए तो हमारा दिल नहीं करता छोड़ना है, अगर हम घर छोड़े तो वो भी मजबूरी से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ अगर मेरे पे कल को कुछ भी होता है या मेरे को रास्ते में आते जाते गोली लग जाती है तो वो भाई ने मुझे धमकी दी थी, ठीक है, अच्छा नहीं होगा अगर तुमने ऐसा किया तो वो भाई जिम्मेदार होगा, ठीक है। मेरे साथ अगर कल को कुछ भी होता है ना तो मुझे धमकियाँ मिली हैं ना तो वही जिम्मेदार होंगे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। वैसे भी कोई भी मेरा तो अभी सच बताऊं तो मेरा दिल नहीं करता क्योंकि उन्होंने साफ साफ धमकी दी है, उन्होंने बोला है कि उनके मैं मैसेज भी सुना था लेकिन उन्होंने धमकी दी हुई है कि आप अगर मैसेज भी सुनाओगे बोल रहे हैं मेरा नाम और मेरे वॉइस नहीं आने चाहिए, बाकी आप वीडियो बनाना चाहते हो ये भी उनसे इजाजत लेके बना रहा हूं तो बना सकते हो, बिल्कुल यही बात है ना। उन्होंने बोला अगर मेरी वॉइस या मेरा नाम आया ना फिर मैं कार्रवाई करूंगा, चारों पांचों तरफ से कार्रवाई करूंगा तुम पे, तो मुझे तो अभी भी ये वीडियो बनाते हुए भी डर है, लेकिन खैर है जिस दिन अल्लाह पाक ने मौत लिखी है मौत तो आ जानी है, ठीक है, तो वैसे भी मौत तो बरहक होती है सबकी। वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि कल को कोई दोबारा नहीं आए, हाँ तो बाद में एंड उसका क्या निकला नहीं, उस बात आए या ना आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे आते थे अब हमारे घर पे नहीं, उसका एंड क्या निकला मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन मेरी नज़र में चीजें थी 4 या 3 हज़ार रुपए तक की, ठीक है, बाद में उन्होंने बोला हमारी भाई 7,000 की चीजें थी, आप 7 नहीं 5 वापस दो नहीं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, दोनों चारों तरफ से हम कार्रवाई करेंगे, हमें मजबूर मत करो और तरीका आजमाने के लिए हमारे पैसे वापस दो। फिर मैंने उनको 5,000 रुपया वापस दिया, 200 रुपया जो वो पेट्रोल लगा के आए थे वो भी उनको वापस दिया कि भाई आप हमारे घर पे आए पेट्रोल लगा के, 200 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, तो हाँ हम लोग तो सीधे लोग हैं, ठीक है, हम लोग नहीं वो करते,
ठीक है, उनकी 3,000 की दो 3-4 हज़ार की चीज़ें थी, लेकिन हमने उनको 5,000 रुपया दिया, 200 रुपया जो पेट्रोल का भी लगा के आए वो भी दिया, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमारी चीज़ें 8-9 हज़ार की 7,000 की, उन्होंने ये कहा। ठीक है, तो हम लोग ऐसी बातों से हो जाते हैं परेशान, तो अल्लाह के वास्ते ऐसे लोग हमारे घर पे नहीं आए और गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं लेके आए, क्योंकि गिफ्टों का पहले ही मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी इतराज़ करते हैं कि गिफ्ट ही लेते हैं, गिफ्ट ही लेते हैं। और रात को मैं रेस्टोरेंट गया, मेरे मेहमान आए हुए, उनको रेस्टोरेंट लेके गए, ठीक है, तो जहरी बात है कोई भी मेरे घर पे मेहमान आता है तो मैं उसका जाके पैसे थोड़ी खर्च कराता हूँ। मेरे को अल्लाह ने इतनी तो अकल दी है ना कि अगर वो मेहमान आया है उसको मैंने खाना खिलाया है तो पैसे वो थोड़ी भरेगा, हम खुद ही देंगे, हम खुद ही देंगे, हम लेके जा रहे हैं, हमारे वो मेहमान है, ठीक है, तो खाना तो मैं ही खिलाऊंगा ना, तो ये बात को वो बिल्कुल, हाँ, जो भी कमेंट्स आते हैं लोग बोलते हैं ये लूटने गए, ये खाने गए, खाना हम अपने घर पे नहीं खाते, इतना गिरावा समझ के उनकी अपनी सोच के बिल्कुल अपनी सोच ऐसी गंदी बताते हैं ना कि फिर ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे बात करनी पड़ जाती है, वरना मैं तो कभी तो वही उन्होंने जो मतलब के बात की कि मतलब वैसे भी उन्होंने बोला कि भाई हम जो है ना सिर्फ अपने चैनल के लिए आए थे, वैसे कौन जानता है तुम्हें, तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो, ये फजूल काम है यूट्यूब, हजारों लाखों बातें की उन्होंने, ठीक है, कुछ किया, बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं अभी वॉइस तो नहीं सुना सकता क्योंकि उन्होंने धमकी दी, हम सुनाने भी वैसे भी हमने उनका मतलब उन्होंने धमकी दी, धमकी भी दी और हमने वो डिलीट भी कर दिया, हम सब हाँ हम देखो वो ना लड़ाई झगड़े वाले, हम सीधे साधे लोग हैं, हम तो ये सब कुछ चाहते ही हैं, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि हम होते ना चलाक होशियार, ना हमारा चैनल जाता, ना हमारा चैनल जाता, ना डकैती होती, अगर हम इतने ही वो होते ना तो, लेकिन जो उन्होंने हमें बोलती ना इतना काफी है, लेकिन उनको तो अल्लाह ही पूछेगा ना, जिन्होंने हमें ये गिराया कि तुम हमारी खात ये है, हम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मैं अगर कुछ बातें करने लग जाऊँ ना, एक मिनट देखो, हम क्रिश्चियन हुए तो नहीं, हम क्रिश्चियन पैदा हुए, ठीक है, हर किसी को अपना मजहब प्यारा लगता है, ठीक है, हमें प्राउड है, हमें बहुत प्राउड है, हम लोग क्रिश्चियन हैं, बहुत फकर से हम कहते हैं, फकर से हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हर किसी को अपना मजहब पसंद है, हर मतलब किसी के बारे में कभी भी हमने बात नहीं की, ना हमें अच्छा लगता है, ना हमें अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने आज की, उन्होंने आज की इस बारे में की हमारी बात याद दिलाई की आप क्रिश्चियन हो, आप वैसे हो, आप वैसे हो, हम जो भी, लेकिन किसी के घर पे हम ऐसे जाके हाथ तो नहीं करते किसी का, हाँ हमारी कौम में ये है की हमारी जो कौम है ना क्रिश्चियन, वो झाड़ू फेर लेती है, गटर खोल लेती है, लेकिन हाथ नहीं फैलाती कि हमें हारे हाथ में पैसे रख दो, अल्लाह के नाम पे दे दो या खुदा के नाम पे दे दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा, भूखे बैठ जाएंगे अपने घर पे बैठे रहेंगे, हाँ सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हाथ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ये सब लोग ठीक है, हमारी ये कौम है ना जो, वो इसमें ये बात है, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कोई भी अगर ऐसी बातें हो बुरी तो आप हम वो भी करना, अगर हमसे भी कोई बात बुरी हाँ। हो गई हो तो हमें माफ करिएगा, लेकिन जरूरी करनी लेकिन ये जरूरी करनी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि कल को कोई आता है, ठीक है, 5,000 की 10,000 की चीज लेके, वो कल को बोले मेरी 1 करोड़ की, तो मैं कहाँ से दूंगा 1 करोड़, नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते ना, इसलिए ये वीडियो बनानी जरूरी थी, बाकी मैंने उनके पैसे उनको दिए जो उन्होंने मुंह से मांगे, ये सोचती हूँ जो उन्होंने मुंह से मांगे कि मेरे को इतने पैसे दो, कहते हमारे पैसे, पैसे हराम के, हमारे पैसे हराम के किसी के भी नहीं होते, अगर हम भी YouTube पे काम करते हैं, हमने हम भी मेहनत करके लेते हैं, हमने वीडियो बना के लेते हैं, यहाँ पे खबार हुए 2 साल, 2 साल हो गए हमें, हमने मेहनत करके सब कुछ किया, अगर उनका खबर ही नहीं होती तो वो हमारे घर पे आती, उनको जरूरत नहीं पड़ती तो वो आती यहाँ पे, जरूरत ही तो आई थी ना उसको, पता था हाँ तो आए तो वो अपने काम से तो उन्होंने बोला है, उन्होंने साफ बोला है हम अपने काम से आए थे, वरना तुमको कौन पूछता, तुम्हें कौन मुंह लगाता, ठीक है, हम फैन फून थोड़ी हैं, हम गिफ्ट थोड़ी फ्री में थोड़ी देने आए थे, हम लिंक लगवा के वो चीजें देने आए थे, अभी के गिफ्टों की तरह पैक करके लाए कि ये हमारी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट का जो सिलसिला है ना वो खुल चुका है, तो बराए मेहरबानी आप गिफ्ट नहीं लेके आओ, तो दूसरी बात प्रमोशन के लिए तो खास तौर ऐसे कोई आएगा हमें पैक करके तो कहीं फेंक देगा, तो ना हमारे घर वालों को पता चलेगा, जैसे गिफ्ट आते हैं ऐसे गिफ्टों की तरह हमें भी कोई हाँ, ले जाएगा, ऐसे ही धमकी आने लग गई, अब क्या कर सकते हैं, बाकी यही कह सकते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, मैं बड़ा डरता हूँ, मैं डर गया हूँ एकदम से, मेरे पसीने छूटे हुए तब से मैं घबराया हूँ, क्या होगा, वो दरवाजा बजता है मैं बोलता हूँ कौन आ गया, कोई मेरे को मारने तो नहीं आ गया कोई, ठीक है, मेरे दिल में डर पड़ गया, हाँ डर, लेकिन अभी जो धमकियां मिली हैं कि चारों तरफ से तुम्हारे पे कार्रवाई की जाएगी, अभी कि मैंने पैसे भी दे दिए, ठीक है,
लेकिन उन्होंने बोला वीडियो भी बनाओगे तो चारों तरफ से तुम्हारे पे कार्रवाई की जाएगी, तो मैं डर गया हूँ काफ़ी। तो बाकी खुदा खैर करेगा, तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।